नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की जानकारी, सरकारी योजना की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहती है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो अप्रेंटिसशिप के 1791 पदों पर निकली है, जिसमें आपको फीस ₹100 है और STSC की निःशुल्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ इसमें प्रोसेस है, कौन कौन से पद है, आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सभी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखेगा एंड इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है गोर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में फॉलो करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, जरूर फॉलो करें ताकि आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1791 पदों पर भर्ती निकली है, चलिए हम देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में कार्यशालाओं इकाइयों में निर्धारित ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 1791 स्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद की अगर हम बात करें भर्ती किस पद पर होने वाली है, तो अप्रेंटिसशिप के पद पर, तो इसकी आवेदन कब से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके 10/11/2024 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों आवेदन की अंतिम तारीख 10/12/2024 यानी कि 10 नवंबर 2024 को इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए निशुल्क है और बाकी जो पुरुष हैं, बाकी जनजाति के जो पुरुष हैं, बाकी उम्मीदवार जो हैं, उन्हें ₹100 पेमेंट करनी होगी। कुल पद की बात करें तो 1791 में पद देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से पद हैं दोस्तों, चिन्हित कौन कौन से पद किए गए? DRM ऑफिस अजमेर में 440 पद है, DRM ऑफिस बीकानेर में 482 पद है, DMR ऑफिस जयपुर में 532 पद है, जोधपुर में 67 पद हैं, अजमेर में 99 पद हैं, अजमेर में 69 पद हैं, बीकानेर में 32 पद हैं और जोधपुर में 70 पद हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आयु सीमा की दोस्तों, तो आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु 10/12/2024 तक 15 वर्ष की पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी 15 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और जाति के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा पिछड़ा वर्ग की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपके आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसमें भी 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 50% अंकों के साथ आपको 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में अगर ITI आपके साथ डिप्लोमा ITI डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पद के अनुसार जरूरी डिग्री, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का निशान चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो रेलवे बोर्ड नियम के अनुसार जो अप्रेंटिसशिप में आपको सैलरी दी जाती है, वही सैलरी आपको दी जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, जो कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आवेदन किस प्रकार से करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाना है आपको। भर्ती अप्रेंटिसशिप भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर आपको क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको दर्ज कर देनी है। जरूरी डॉक्यूमेंट जो जो मांगे गए वो अपलोड कर देना है। फीस का भुगतान कर देना है। उसके बाद आपका प्रिंटआउट लेकर रख लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑफिशियल इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप कॉपी करिएगा rrcjaipur.in को और आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश में जो पटवारी
जो सर्वेयर है उनकी भी यहाँ पर पेमेंट लिस्ट जारी कर दी गई, वो अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लेते। पंचायती राज में भर्ती निकली है, रेलवे रिक्वायरमेंट भर्ती बोर्ड में सफाई कर्मचारी भर्ती, बहुत सी भर्ती हम आपको बताते रहते हैं। अधिकतम हम जो भर्ती बताते हैं जिसमें आपको निःशुल्क आवेदन रहता है और मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन इसमें किया जाता है। तो वीडियो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर दिए। धन्यवाद।